डियर स्टूडेंट्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद दुलार में। बच्चों, ये क्लास फाइव का मैथ है, एक्सरसाइज 21 चैप्टर फाइव का है ये। इसके बाद जो है और दो एक्सरसाइज बचा हुआ है, एक्सरसाइज 22 और 23। वो दो एक्सरसाइज जैसे ही क्लियर होता है चैप्टर फाइव कम्प्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 21 को कम्प्लीट करेंगे। देखते हैं सबसे पहले क्या इसमें क्वेश्चन दिया हुआ है। फाइंड एच सी एफ ऑरली। ऑरली मतलब होता है मौखिक रूप से, कहने का मतलब है कि आपको इसको बिना बनाए इसका आंसर जान जाना है, इसका एच सी एफ निकाल लेना है। एच सी एफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो फैक्टर अगर इन दोनों का निकाल लिया जाए और फिर जो कॉमन मिलेगा, जो सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर मिलेगा, वही जो होता है वही एच सी एफ होता है। तो यहाँ पे ऐसे ही ऑरली निकालना है। तो यहाँ पे समझ लीजिए कि ऑरली यहाँ पे डायरेक्ट इसका आंसर दे देते हैं। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं दो नंबर, तो यह दो नंबर देख रहे हैं। अगर बड़ा नंबर छोटा नंबर के टेबल में आता है, अब ध्यानपूर्वक समझिए कि ये जो बड़ा नंबर है ये छोटा नंबर के टेबल में आता है, तो फिर बड़ा नंबर ही उसका आंसर होगा। तो 10 का टेबल में तो 100 आता ही है, 10 10 जो 100, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर जो है 100 ही होगा। तो इसको लिख लेते हैं 100, ये इसका आंसर हो गया। उसके बाद यहाँ पे बी नंबर में देखिए, बी नंबर में 15 और 19। तो यहाँ पे बस ध्यान दीजिए कि कोई भी नंबर, जो भी नंबर दिया हुआ है, यहाँ दो नंबर दिया हुआ है, तीन नंबर चार नंबर भी दे सकता है, अगर उसमें से कोई भी एक प्राइम नंबर हो तो उसका आंसर 1 आएगा। तो यहाँ पे 19 देख रहे हैं हम लोग, ये प्राइम नंबर है तो इसका आंसर 1 आएगा। तो 1 लिख देते हैं, 1 ये हो गया इसका आंसर। उसके बाद 20 25, अब यहाँ पे देख रहे हैं तो किसी एक टेबल, ऐसा टेबल जिसमें दोनों ही आता हो, तो वही जो है उसका आंसर होगा। अगर एक टेबल में आता है, अगर दूसरा टेबल में भी आता है, तो जो बड़ा टेबल होगा वही उसका आंसर होगा। तो यहाँ पे 20 और 25 जो है ये एक टेबल में आता है, ये 4 का टेबल में ये आता है लेकिन ये नहीं आता है, तो 5 का टेबल में ये दोनों ही आता है, और 6 में जाएंगे तो फिर ये दोनों ही नहीं आता है। इसका मतलब है कि 5 का टेबल में ये दोनों आता है, इसका मतलब 5 ही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसको लिख लेते हैं 5, ये हो गया इसका आंसर। और यहाँ पे 16 और 24 दिया हुआ है। अब इसमें भी कोई एक ऐसा टेबल चाहिए जिसमें ये दोनों ही नंबर आता है उस टेबल में, तो हो सकता है कि एक टेबल से ज़्यादा टेबल में आता हो, तो जो सबसे बड़ा टेबल होगा वही आंसर होगा। अब यहाँ पे जो है ये दो टेबल में आ रहा है, अगर 2 का टेबल से दोनों को ले तो ये दोनों ही नंबर 2 से कट जाएगा, लेकिन 2 जो है उसके अलावा जो है 3 में जाते हैं तो ये कट सकता है लेकिन ये नहीं कटेगा। 4 में जाते हैं, 4 4 जा 16 हो गया, और 4 6 जा 24, इसका मतलब 4 के टेबल में भी ये आ रहा है, 2 का टेबल 4 का टेबल, 5 के टेबल में आएगा नहीं, 6 के टेबल में भी नहीं आने वाला है, तो मतलब और आगे नहीं आएगा। तो 2 का टेबल है और 4 का टेबल है, तो बड़ा कौन है, 4 है, तो इसका मतलब है कि इसका आंसर हो जाएगा 4, इसका एच सी एफ 4 हो जाएगा। और इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। यूज़ प्राइम फैक्टराइजेशन टू फाइंड एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। इसको प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद जो है इसका एच सी एफ निकालना है। तो इसको जो है यहाँ पे डायरेक्ट तो बनने वाला है नहीं, इसको पेपर पे बनाना होगा। पेपर ले लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 लेते हैं, और ए नंबर हो गया ये जो है, इसमें दिया हुआ है 15 और 42, ये हो गया। अब इन दोनों का प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 15 इसका ये 2 से तो जाएगा नहीं, 3 से जाएगा, 3 5 जा 15, इससे आगे ये जाने वाला नहीं है क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ पे 42 को भी कर लेते हैं, 42 ये जो है 2 से जाएगा, 21 दूना 42 होता है, और इससे आगे जो है 2 से नहीं जाएगा, 3 से जाएगा, 3 7 जा 21, ये प्राइम नंबर आ गया, अब इससे आगे नहीं जाएगा। तो 15 का फैक्टराइजेशन क्या आया, 15 का आ गया 3 इंटू 5, और 42 का आ गया 42 इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 7, ये हो गया। तो इन दोनों में मैच क्या कर रहा है, जितने भी नंबर यहाँ पे मैच करेंगे उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, अगर एक ही नंबर मैच करेंगे तो सिर्फ उसी को लिखेंगे, ये 3 ओनली मैच कर रहा है, तो ये जो मैच कर रहा है वही आंसर हो जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू 3, तो ये इसका आंसर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब बी नंबर यहाँ लेते हैं, बी नंबर यहाँ पे दिया हुआ 66 और दिया हुआ 176। अब 66 का फैक्टराइजेशन कर लेते हैं, ये 2 से तो जा रहा है, 3 3, और ये हो गया 3 से जाएगा, 11 बार में जा रहा है, 11 3 जा 33, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ पे 176 को करते हैं
टू से जा रहा है, कितना हुआ यहाँ पे 17, 16 हो जाएगा, 8 × 2 = 16 हो गया 8, और फिर यहाँ पे 1 बच गया तो फिर 16 बच गया, तो 8 × 2 = 16, फिर ये ख़त्म हो गया और फिर 2 से जाएगा तो ये 4, 4, फिर 2 से जा रहा है तो यहाँ पे 22 हो गया, और फिर इसके आगे 2 से जाएगा तो 11, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया। अब यहाँ पे इसका फैक्टराइजेशन लिख लेते हैं 66 का, इसका फैक्टराइजेशन हो गया 2 × 3 × 11, और इसका हो गया 176 का इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 2 × 11, ये हो गया। मैच क्या कर रहा है, ये 2 मैच कर रहा है और ये 11 मैच कर रहा है, ये दोनों नंबर मैच कर रहा है और बाकी मैच नहीं कर रहा है, तो इसमें HCF हो जाएगा इसका इक्वल टू 2 × 11, तो 11 × 2 = 22 होता है 22, इसका आंसर हो जाएगा ये 22। ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद आगे लेते हैं, यहाँ पे लेते हैं सी नंबर, और सी नंबर में दिया हुआ है 24, 60, फैक्टराइज कर लेते हैं 24 का, 2 से जाएगा 12 × 2 = 24 हो गया, फिर 2 से जाएगा 6 × 2 = 12 हो गया, और फिर 2 से जाएगा 3 × 2 = 6, अब नहीं जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर आ गया है। अब यहाँ पे 60 का कर लेते हैं, 60 2 से तो जा ही रहा है, 30 × 2 = 60 हो गया, फिर 2 से जाएगा ये 15 × 2 = 30 हो गया, और अब नहीं जाएगा 3 से जाएगा, 5 × 3 = 15 हो गया, इसमें भी प्राइम नंबर आ गया, अब ये जाने वाला नहीं है, तो इसको यहाँ पे लिख लेते हैं 24 का फैक्टराइज 2 × 2 × 2 × 3, ये हो गया, और इसका 60 का 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया। तो मैच क्या कर रहा है, इसमें मैच कर रहा है ये और ये 2 मैच कर रहा है, उसके बाद ये 3 मैच कर रहा है, बस इतना ही मैच कर रहा है, तो HCF इसका क्या हो जाएगा इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो 2 × 2 = 4 हुआ, 4 × 3 = 12, 12 आ गया, तो 12 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब डी नंबर लेते हैं, यहाँ पे डी नंबर में दिया हुआ है 24 और 40, तो 24 का निकाल लेते हैं, 24 2 से 12 × 2 = 24, और फिर 2 6 × 2 = 12, और फिर 2 × 3 = 6, अब नहीं जाएगा प्राइम नंबर आ गया है। अब यहाँ पे 40 का लेते हैं, तो 2 से जाएगा 20 × 2 = 40 हो गया, फिर 2 से जाएगा 10 × 2 = 20 हो गया, फिर 2 से जाएगा 5 × 2 = 10 हो गया, तो अब नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 24 का फैक्टराइज लिख लेते हैं, यहाँ पे 2 × 2 × 2 × 3, और यहाँ पे 40 का लिखते हैं, ये हो गया 2 × 2 × 2 × 5, तो यहाँ पे देख रहे हैं ये 3 मैच कर रहा है, यहाँ पे, यहाँ पे और यहाँ पे, तो यहाँ पे HCF इसका हो जाएगा 2 × 2 × 2 = 2 × 2 = 4 × 4 = 8 हो गया, इसका आंसर 8 हो जाएगा। ये हो गया डी तक। उसके बाद इसमें और बचा हुआ है, 4 का और बचा हुआ है, तो इसको और आगे ले लेते हैं, ई नंबर लेते हैं, ई यहाँ पे ई नंबर में दिया हुआ है 72 और दिया हुआ है 84, 72 का फैक्टराइज क्या हो जाएगा, 2 से तो जाएगा ही, 35 × 2 = 70 होता है, 36 हो जाएगा, 36 × 2 = 72, फिर 2 से जाएगा 18 × 2 = 36 होता है, फिर 2 से जाएगा 9 × 2 = 18, और फिर 2 से नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 × 3 = 9, ये हो गया, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। उसके बाद 84 हो गया, 2 से जाएगा 2 × 2 = 8 हो गया, और 2 × 2 = 4, इसके आगे 2 से जाएगा 21 × 42 होता है, और इसके आगे नहीं जाएगा 3 से जाएगा, तो 3 × 7 = 21, इससे ज़्यादा ये जाने वाला नहीं है। अब यहाँ पे 72 का फैक्टराइजेशन 2 × 2 × 2 × 3 × 3, और यहाँ पे 84 का हो गया, क्या हो जाएगा 2 × 2 × 3 × 7, क्या मैच कर रहा है ये दोनों, उसके बाद ये 3, इसका HCF हो जाएगा HCF इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे 2 × 2 = 4, 4 × 3 = 12, मतलब 12 इसका आंसर आ रहा है, 12, इस तरह से ये कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे ले लेते हैं एफ नंबर, एफ नंबर में दिया हुआ है 84 और 132,
ये हो गया, तो इसको ले लेते हैं। 84 का तो मेरे पास यहाँ पे है ही, फिर भी बना लेते हैं इसको। 84 टू से कट रहा है, ये 4 हो गया और ये 2 हो गया। 21 दूना 42, 3 से जाएगा, 7 3 जा, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा। 132 ये 2 से तो जाएगा ही, कितना हो गया, 2 6 12 हो गया यहाँ पे, और फिर 2 6 12 हो गया, और यहाँ पे 2 से जाएगा 3 3, फिर 3 से जाएगा 11 बार में जाएगा, तो इससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। 84 का ये फैक्टराइज 2 × 2 × 3 × 7, और 132 का इक्वल टू 2 × 2 × 3 × 11, तो ये तीनों मैच कर रहा है, यहाँ यहाँ और यहाँ, ये सिर्फ मैच नहीं कर रहा है, तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF इक्वल टू 2 × 2 × 3, तो यहाँ पे भी 12 ही आंसर आ रहा है इसका। ये हो गया, कंप्लीट हो गया F नंबर तक। अब इसमें और GH दो ठो बचा हुआ है, यहाँ पे लेते हैं जी नंबर में दिया हुआ है 60 और 105। 60 का फैक्टराइज करते हैं, क्या हो जाएगा, 2, 30 दूना 60 हुआ, फिर 2, 15 दूना 30, और 3 से जाएगा, 3 5 15, इससे ज़्यादा नहीं जाएगा, और यहाँ पे 105, ये किससे जाएगा, 5 और 1 6, मतलब 3 से जाएगा, 3 3 9 हो गया, 9 ख़त्म हो गया यहाँ पे, और 1 बचा, तो 3 5 15 35 आ गया, और ये 3 से 5 3 8, 3 से जाने वाला नहीं है, 4 5 से जाएगा, 5 5 7 35 होता है, तो इससे क्या आ गया और नहीं जाएगा, इतना ही रहेगा। 60 का फैक्टराइज हो गया 2 × 2 × 3 × 5, ये हो गया, और इसका 105 का 3 × 5 × 7, मैच क्या कर रहा है यहाँ पे, यहाँ पे एक 3 मैच कर रहा है ये, और एक 5 मैच कर रहा है ये, HCF हो जाएगा इक्वल टू 3 × 5, 5 3 15 हो गया, 15 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो गया। अब लास्ट ये बचा हुआ है एच नंबर का, तो एच नंबर यहाँ ले लेते हैं, और एच नंबर में 3 ठो दिया हुआ है, तो यहाँ पे सबसे पहले 150 दिया हुआ है, फिर 210 दिया हुआ है, और 135 दिया हुआ है। सबसे पहले 150 का फैक्टराइज करते हैं, तो 5 1 6 हो गया, तो 3 से जा रहा है, तो यहाँ पे 3 5 15 हो गया, और ये 0 इस पर आ गया। अब जो है ये 2 से जा ही रहा था, तो यहाँ पे 2 से ले लेते हैं, 2 कितना हो गया, ये 25 हो गया, 25 दूना 50, इसके बाद जो है ये 2 से नहीं जाएगा, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से ले लेते हैं, 5 5 25, ये इसके आगे नहीं जाएगा। अब यहाँ पे 210 हो गया, 2 से जा रहा है, तो इसको तो 210 का आधा कितना हो गया, 105 हो गया, 105 इसके आगे 5 1 6, मतलब ये 3 से जाएगा, 3 तो 3 3 9 हो गया, और यहाँ पे 1 बच गया, 15, 3 5 15, इसके आगे 5 से जाएगा, ये 5 7 35 और नहीं जाने वाला है, तो 135 ये किससे जाएगा, 4 हो गया और 5, 2 से तो जाएगा नहीं, 4 5 9 हुआ, मतलब 3 से जा रहा है, 3 6 3 चौक 12 होता है, 3 चौक 12, और यहाँ पे 1, 3 5 15, ये हो गया 4 5 9, इसका मतलब है कि 3 से जा रहा है, 3 से 15 3 45 हो गया, और फिर 3 से जाएगा, 5 3 15, ये हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा। अब सबको लिख लेते हैं, 150 का 150 3 × 2 × 5 × 5, और यहाँ पे 210, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 × 3 × 5 × 7, ये हो गया, और 135 इसका 3 × 3 × 3 × 5 हो गया, तो मैच क्या कर रहा है इसमें, 2 यहाँ पे नहीं है, 2 मैच नहीं कर रहा है, तो 3 मैच कर रहा है, एक यहाँ 3 हो गया, और एक यहाँ से मैच कर गया ये 3, उसके बाद मैच क्या कर रहा है, 7 यहाँ है, 5 सब में है, तो यहाँ पे एक 5 मैच करेगा यहाँ से लेके यहाँ तक,
इसके अलावा और मैच नहीं कर रहा है, इसका एच सी एफ इक्वल टू 3 × 5, तो इसका भी आंसर हो गया 15। ये हो गया कंप्लीट क्वेश्चन नंबर 2। इसके आगे क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे क्या कह रहा है ये, यहाँ पे यूज कॉमन डिवीजन मेथड टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। यहाँ भी एच सी एफ निकालने के लिए कह रहा है, लेकिन मेथड अलग है। कॉमन डिवीजन मेथड, कॉमन डिवीजन मेथड जो होता है इजी मेथड होता है और ये जल्दी भी बन जाएगा, इसमें समय भी कम लगता है। तो यहाँ पे ले लेते हैं, एक्चुअली आप लोगों को क्वेश्चन नहीं दिखेगा, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख लेता हूँ। इसमें ए नंबर में दिया हुआ है 9, 12, इजी मेथड होता है, आप यहाँ पे एक बार ध्यान देने से समझ में आ जाएगा। इन दोनों को एक ऐसे टेबल से लेना है जो दोनों ही मतलब उस टेबल में दोनों ही नंबर कटना चाहिए, तो 9 हो गया, ये 12 हो गया। एलसीएम मेथड से ये बनता है, उसी को कॉमन मेथड बोलते हैं, कॉमन डिवीजन मेथड। तो ये जो है इस तरह से, तो कौन से टेबल से ये दोनों कट रहा है, 3 के टेबल से दोनों कट रहा है। 3 ले लेते हैं, 3 × 3 = 9 हो गया और 3 × 4 = 12। इसके आगे कटने वाला नहीं है, ये दोनों ही नंबर जो है किसी भी टेबल से, एक टेबल से दोनों नंबर नहीं कटेगा, तो इन दोनों को नहीं लिया जाता है, सिर्फ इधर वाला जो नंबर होता है वही इसका आंसर होता है। तो इसका एच सी एफ हो गया एच सी एफ इक्वल टू 3, तो यही इसका आंसर हो गया। बी नंबर ले लेते हैं, बी नंबर में दिया हुआ है 12 and 42, तो इसको 12, 42, ये कौन से टेबल में आएगा, सबसे छोटा टेबल लेते हैं, 2 का टेबल में तो दोनों ही आ रहा है, 2 ले लेते हैं। यहाँ पे हो गया 6, 6 × 12 = 21, 21 × 42, और ये अब कौन से टेबल में दोनों आएगा, 3 का टेबल में आएगा, 3 × 6 हो गया, 3 × 7 = 21 हो गया, 3 × 7 = 21, ये अब किसी के टेबल में नहीं आएगा। तो ये दोनों जो नंबर है इसी को मल्टीप्लाई कर लेते हैं, एच सी एफ इसका हो गया एच सी एफ इक्वल टू 2 × 3 = 6, ये आंसर हो गया। सी नंबर ले लेते हैं, यहाँ पे सी नंबर में ज़्यादा नंबर नहीं है, तो सी ये हो गया और इसमें दिया हुआ है 22, 55, तो कौन से टेबल से ये दोनों 22, 55, तो ये जाएगा 11 के टेबल से, ये दोनों जाएगा 2 बार में और ये 5 बार में, इसके आगे जाने वाला नहीं, और इसके आगे जाने जाएगा तो एक ही नंबर आया हुआ है 11, तो यहाँ पे एच सी एफ इसका हो जाएगा एच सी एफ इक्वल टू 11, बस ये इसका आंसर हो गया। इजी मेथड है, आप लोगों को काफ़ी इजीली समझ में आ रहा होगा। और डी नंबर लेते हैं यहाँ पे डी, तो डी में दिया हुआ है 42 और 70, 42, 70 कौन से टेबल में आएगा, दोनों ही आएगा कौन से टेबल में, ये दोनों 2 का टेबल में आ रहा है, तो यहाँ पे ले लेते हैं 2, 21 × 42 हो गया और 35 × 70 हो गया, ये हो गया। यहाँ से लिए अब कौन से टेबल में आएगा, यहाँ पे 3 में आ रहा है, लेकिन ये 3 में नहीं आ रहा है, तो यहाँ पे 7 में आ जाएगा, 7 × 7 = 21 हो गया और 7 × 35 हो गया, इसके आगे नहीं जाएगा। तो ये दो नंबर आ रहा है, एच सी एफ क्या हो जाएगा इसका 2 × 7 = 14, 7 × 14 हो गया, ये हो गया आंसर। डी ई नंबर, ई नंबर में दिया हुआ है 12, 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ पे कोई परेशान होने की बात नहीं है, यहाँ पे 24, तो ये 3 नंबर जो है तीनों के तीनों 2 से कट रहा है, तो सबसे पहले छोटा जो नंबर है उसी को लेते हैं, 2 से कट रहा है, 6 × 12 हो गया, 9 × 18 हो गया और 12 × 24 यहाँ पे, और ये 3 से सारा नंबर कट रहा है, तो 3 ले लेते हैं, 3 × 6, 3 × 3 = 9 और 3 × 12, इसके आगे नहीं जाएगा। तो यहाँ पे दो ही नंबर है, एच सी एफ क्या हो जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू 2 × 3 = 6, ये हो गया। और एफ नंबर में भी 3 डिजिट दिया हुआ है, तो इसमें जो है यहाँ पर आटेगा नहीं, तो यहाँ पे नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे एफ नंबर क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, 42, 70 और 84 दिया हुआ है, तो यहाँ पे 42, 70, 84 ये हो गया। तो ये तो 2 से सभी नंबर कट रहा है, 21 × 42 हो गया और 35 × 70 हो गया, और यहाँ पे 2 × 8 और 2 × 4 = 42 हो गया। अब कौन से नंबर से कटेगा ये सारे के सारे, तो यहाँ पे ये जो है 3 से कट रहा है, ये भी 3 से कट रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, 5 से कट रहा है, लेकिन ये सब नहीं कट रहा है, तो 6 से नहीं कटने वाला है, 7 से कटेगा, 7 ले लेते हैं,
सेवन सत्तर 21 हो गया, सात पचे 35 हो गया और सात छः 42 हो गया। अब नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। तो ये दो नंबर आ रहा है एफ में, इसका एच सी एफ हो गया इक्वल टू 2 × 7 कितना हो गया, 7 × 14 = 14 हो गया। इसका आंसर ये हो गया। इसका लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है जी नंबर का, जी 36, 48 और 60। तो इसको हम ले लेते हैं एलसीएम के रूप में, 48, 60 और ये तीनों किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है। 18 × 36 हो गया, 24 × 48 हो गया और 30 × 60 हो गया। अभी भी तीनों 2 से जा रहा है तो इसको ले जाते हैं 9 × 18 और 12 × 24 और 15 × 30। अब ये 2 से नहीं जाने वाला है लेकिन 3 से तीनों जाएगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12 और 3 × 5 = 15। अब नहीं जाने वाला है, किसी भी नंबर से नहीं जाएगा। इसका मतलब है कि यहाँ पे जो तीन नंबर है वही इसका एच सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू 2 × 2 × 3, ये हो जाएगा 3 × 4 = 12। 12 इसका आंसर हो गया, ये कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, ये क्वेश्चन नंबर 4, यूज लॉन्ग डिवीजन मेथड टू फाइंड द एच सी एफ ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो ये जो मेथड है एच सी एफ निकालने का सबसे कॉमन मेथड है और सबसे ज़्यादा इसको निकाला जाता है और सबसे बड़े बड़े नंबर को निकालने में इसी से आसानी होता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे लिख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 और ए नंबर का है ये, इसमें 135 दिया हुआ है, 135 एंड 165। इसमें डिवीज़न देने का तरीका यह है कि छोटे नंबर को हम इधर रखेंगे, जैसे डिवाइड देते हैं सेम टू सेम उसी तरह से रखना है। 165 बड़ा नंबर को यहाँ पे बीच में रखना है। अब इसको डिवाइड करना है तो इससे अगर आगे जाते हैं तो इससे ज़्यादा हो जाएगा, यहाँ पे 135 दिया 165 यहाँ पे, तो एक ही बार में जाएगा। तो 135 यहाँ पे लेते हैं, इसको माइनस कर देते हैं, 0 हो जाएगा और 3 हो जाएगा, यहाँ 6 में 3 ये कट गया, 30 हो गया। अब इसको यहाँ पे इस तरह से घेर देते हैं और इसको उठा के यहाँ रखते हैं 135। इस तरह से एच सी एफ निकालने के लिए इस तरह से बनाया जाता है। तो यहाँ पे कितने बार में जाएगा, 3 × 4 = 12 हो रहा है, तो 3 × 4 = 12 यहाँ पे 12 पे एक जीरो लगा देंगे तो 120 हो जाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। 3 × 5 = 15 हो जा रहा है, यहाँ पे 150 हो जाएगा, तो 4 बार में ही जाएंगे, 4 × 12 हो गया, 5 और ये 1 यहाँ पे ये कट गया, फिर यहाँ से इसको घेर दिए और इसको उठा के यहाँ रख दिए, क्या हो जाएगा, 15 × 2 = 30 होता है, 2 बार में ये कट गया, ख़त्म हो गया। अब ये जो है इधर वाला जो नंबर होता है ये आंसर होता है, तो इसका एच सी एफ हो जाएगा, एच सी एफ इक्वल टू 15, ये हो गया, ये आंसर है कंप्लीट। अब यहाँ पे बी नंबर ले लेते हैं, बी इसका क्या दिया हुआ है, 198 एंड 360। तो 198 से 360 को डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 198 लगभग 200 है, तो 200 इसको डबल करेंगे तो 400, मतलब उसमें 4 कम हो जाएगा, तो यहाँ पे फिर भी यहाँ बहुत कम है, मतलब एक बार में ही जाएगा ये, तो वन टाइम में इसको ले जाते हैं 198। यहाँ पे माइनस करेंगे, 10 में से 2 हो गया और यहाँ पे हो गया 5, तो यहाँ से ले लेते हैं 15 हो गया, 15 में से 9 तो 6 हो गया, 6 और यहाँ पे 2 1 हो गया 162। फिर इसको यहाँ पे इस तरह से घेर देंगे, 198 को ले आएंगे यहाँ पे, ये कितने बार में जाने वाला है, तो इसको अगर डबल करते हैं 16 × 32 320 बहुत ज़्यादा हो जा रहा है, तो इसको एक बार में ले जाते हैं 162, माइनस करते हैं, यहाँ पे हो गया 6 और यहाँ पे 9 3 9 6 तो ये 3 हो जाएगा, ये कट गया, यहाँ पे 36 आ गया 162। 36 बार में जाएगा, 3 का टेबल पढ़ के देखते हैं, 3 × 5 = 15, 3 × 5 = 15 हो रहा है, इसका मतलब है कि 5 बार में हम चेक कर सकते हैं इसको, हो सकता है कि 5 बार में जाए, या फिर तो एक ले लेते हैं पेपर ले लेते हैं, 36 5 बार में चेक करते हैं, तो 6 × 5 = 30 हो गया और 3 बच गया, 15 हो गया, 15 और 3 = 18 हो गया 180। 5 बार में जो है ज़्यादा आ जा रहा है तो हम 4 बार में ले लेते हैं, 4 × 6 = 24 हो गया, तो 2 बच गया और 12 हो गया, 12 और 2 = 14 हो गया 144। इसका मतलब है कि ये 4 बार में जाएगा,
तो फोर बार में ले जाते हैं 144, इसको माइनस करते हैं, यहाँ पे 12 में से 8, 12 में से 4 तो 8 हो गया, और यहाँ पे 5 हो गया, 4 1 हो गया, ये कट गया। अब यहाँ से ये 36 यहाँ पे आ जाता है, 36 तो कट ही रहा है, 18 दोनों 36, 2 बार में कट गया, पूरा कट गया। इसका मतलब है कि इधर वाला आंसर होगा HCF, इसका क्या हो गया HCF इक्वल टू 18, ये आंसर हो गया इसका। सी नंबर पे चलते हैं हम लोग, सी नंबर पे इसका क्वेश्चन लिख लेते हैं। सी नंबर क्या दिया हुआ है, 144 और एंड 312, तो यहाँ पे इसको 144 से जो छोटा नंबर है इसको इधर रखेंगे और इसको यहाँ पे 144 इसका जो है 288 हो जाएगा, इसको डबल करेंगे तो उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है और ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 बार में ले जाते हैं, 288 माइनस कर देंगे, 12 में से 8 हो गया तो 4, और यहाँ पे 0 हो गया 10, 10 में से 8 तो 2 बच गया, ये ख़त्म हो गया। अब यहाँ से 144 24 का टेबल में 144 आता है, 24 के टेबल में 144 आपका 6 बार में आ जाएगा, तो 6 बार में यहाँ ले लेते हैं, 144 कट गया ये, तो यहाँ पे इसको 0 हो गया, इसका मतलब है कि इधर वाला आंसर होता है, तो इसका HCF क्या हो गया, HCF इक्वल टू 24, सी नंबर का आंसर हो गया ये। उसके बाद डी नंबर यहाँ ले लेते हैं, डी में दिया हुआ है 400 एंड 575, तो इसका छोटा जो नंबर है इसको इधर लेंगे, 575 यहाँ पे लेंगे, 4 टू जाए 800 हो जाएगा 2 बार में, तो 1 बार में ही जाएंगे 400, तो यहाँ पे बच गया कितना 57 और 1, फिर इसको यहाँ से 400 लेते हैं तो 175, तो इसका 350 हो जाएगा 2 बार में, तो उतना ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है, 2 बार में ले जाते हैं 350। अब यहाँ पे बच गया कितना 50 हो गया, ये कट गया, अब यहाँ से 50 से 175 तो जाने वाला नहीं है, लेकिन ये 3 बार में कितना जाएगा 150 जाएगा, उससे ज़्यादा नहीं जाएगा, 200 हो जाएगा, 3 बार में 150, और ये कितना बच गया 25, कट गया ये 50, ये तो यहाँ से जाएगा कितने बार में 2 बार में 25 टू जा 50, तो 2 बार में ये कट गया 50, कट गया पूरा 0, तो यहाँ 25 आ गया, इधर वाला आंसर है, तो HCF इसका इक्वल टू 25, ये हो गया आंसर। और इसमें कितना बचा हुआ है, डी नंबर हो गया EF, ओनली 2 क्वेश्चन और बचा हुआ है, तो इसको जल्दी से सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर बड़ा सा नंबर दिया हुआ है 2684 एंड 1098, तो यहाँ पे इसको छोटा वाला को इधर रखेंगे 1098, और यहाँ पे 2684, ये हो गया। अब यहाँ पे 2 बार में तो जाएगा ही 2098, मतलब लगभग 100 है, तो ये मान के चलते हैं 1100 है ये, तो 2200 होगा, मतलब 2 बार में ये जाएगा, तो 2 बार में जाते हैं, कितना हो गया यहाँ पे 2 बार में जाएगा ये, 8 टू जा 16 हो गया, 16 6 हो गया 1 बच गया, और 9 टू जा 18 और 1 19 हो गया, और फिर 0 आएगा तो हाथ वाला 1 जो है यहाँ पे आ जाएगा, और 2 1 जा 2 तो यहाँ पे इतना आ गया, माइनस कर लेंगे इसको, 14 में से 6 8 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया, 17 में से 9 8 हो गया, और फिर यहाँ 5 1 तो यहाँ पे 4, और ये कट गया 488 आ गया, 1098 यहाँ पे, तो ये कितने बार में चल जाएगा, यहाँ पे 4 टू जा 8 हो गया, और 4 3 जा 12, मतलब ये 2 बार में ही जाएगा, तो 2 ले लेते हैं, तो 8 जो है 8 टू जा 16 6 हो गया, 1 बच गया, फिर 8 टू जा 16 और 1 17 हो गया, फिर 1 बच गया, 4 टू जा 8 और 1 9 हो गया, तो इतना बार इतना आएगा, 8 में से 6 2 हो गया, और 9 में से 7 2, यहाँ पे 10 में से 9 1 हो गया, इसको यहाँ से घेर देते हैं, इसको उठा के यहाँ रखते हैं 88, तो यहाँ से 1 4 बार लेते हैं तो कट जाएगा, तो 4 बार में लेते हैं 2 4 जा 8 हो गया, और 2 4 जा 8 फिर हो गया, और 4 1 जा 4 तो इतना आ गया, ये कट गया, तो इधर वाला जो नंबर है वो HCF होगा इसका, HCF इक्वल टू
122, ये इसका आंसर हो जाएगा। कंप्लीट हो गया। अब लास्ट जो बचा हुआ है एफ नंबर, इसमें भी बड़ा नंबर दिया हुआ है, तो एफ नंबर में क्या है, 36, 3, 72, इक्वली बड़ा नंबर देता है ताकि बच्चे उसमें गड़बड़ करें इसीलिए, लेकिन इस नंबर को देख के घबराना नहीं है, अगर घबरा गए तो निश्चित रूप से गलती हो जाएगा और इसीलिए वो दिया हुआ है ताकि आप लोगों से गलती हो। 36, 3, 72, यहाँ से इसको ले लेते हैं 78, 806, तो यहाँ 36 × 72 होता है 36 और यहाँ 78 दिया हुआ है, मतलब ये 2 बार में ही जाएगा, उससे ज़्यादा जाने वाला नहीं है। तो यहाँ से 2, 2 जब 4 मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, और 7, 2 जब 14, फिर 1 बच गया, और 3, 2 जब 6 और 1, 7 हो गया, और यहाँ पे 6, 2 जा 12, 2 हो गया, 1 बच गया, 3, 2 जा 6 और 1, 7 हो गया, इतना। इसको करते हैं माइनस, यहाँ 2, 10 में से 4, 6 हो गया, और यहाँ पे 7, तो 7 में से 7 0 हो गया, 8 में से 2, तो 6 और ये कट गया। फिर यहाँ से इसको ये कर लेते हैं और इसको उठा के यहाँ रखते हैं 36, 3, 72, यहाँ पे 6, 6 जा 36 होता है, 6, 6 जा, तो हम लोग ट्राई कर सकते हैं इसको 6 बार में, हो सकता है कि ये आ जाए, तो इसको ये रफ कर लेते हैं, यहाँ पे कितना है 60, 62, तो यहाँ 6 ले लेते हैं, 6, 2 जा 12 हो गया, 1 बच गया, 6, 6 जा 36 और 1, 37 हो गया, 3 बच गया, फिर यहाँ से 0 आ गया, तो ये 3 यहाँ पे आ जाएगा, और 6, 6 जा 36, तो यहाँ पे 36, 3, 72, मतलब सेम टू सेम वही मिल रहा है 6 बार में, तो इसको हम लिख लेते हैं 6, 36 हो गया और 372, इतना बार में ये कट जा रहा है, तो इसको काट देते हैं, कट गया, ये जो नंबर है ये आंसर हो जाएगा इसका, HCF इक्वल टू 6062, ये इसका हो गया आंसर। कंप्लीट हो गया, यहाँ पे एक्सरसाइज 21 पूरी तरह कंप्लीट हो गया है, इसके आगे 2 एक्सरसाइज बचा हुआ है, ये पूरा चैप्टर 5 जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अगर आप लोगों को हमारे वीडियो से थोड़ा भी मदद मिलता है तो आप हमारे इस वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिए, और इसी तरह का और वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। इसके अगले एक्सरसाइज को सॉल्व करने के लिए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलेंगे, आइए हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं।